नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरेंद्र यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 तक फिनिश कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। कह रहा है कि जो इक्वेशंस दे रखी हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के इक्वल, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सेट द रीजन बाउंडेड बाई दीज टू लाइन्स। कह रहा है कि उस रीजन को सेट कर दीजिए जो इन दो लाइनों से बना है, एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस इन तीन लाइन्स को मिला करके जो रीजन बीच का रीजन उनका बन रहा है उसको हमें क्या करना है, सेड कर देना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, और जिस रीजन को हम सेड करेंगे उसका एरिया भी ये पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं टू इक्वेशंस, तो उनको हम लिख लेंगे। पहली इक्वेशन क्या है, वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के इक्वल। देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स वाई, देखिए एक्स को जब हम 0 रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू कितना आया, 6 के इक्वल। जब हम वाई को 0 रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 6 के इक्वल। देखिए, टू पॉइंट्स तो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिए। अब एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। एक पॉइंट निकालते किस पे, 4 पे निकाल लेते हैं। जब एक्स को हम 4 रखेंगे, एक्स को यहां पे हम 4 रखते हैं, जब एक्स को 4 रखेंगे तो 4 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए, यहां से क्या कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं, एक तो आया 0 6 और दूसरा क्या आया, 6 0, और तीसरा आया क्या, 4 2 के इक्वल। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पर, क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के इक्वल। अब क्या करेंगे, यहां से भी हम निकाल लेते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो एक्स और वाई हमने लिख लिए। अब यहां से देखिए, जब हम एक्स को 0 रखेंगे, एक्स को जब हमने 0 रखा तो वाई आया कितना, माइनस 2 के इक्वल। अब वाई को 0 रख लेते हैं, जब वाई को 0 रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आएगा कितना, 2 के इक्वल। अब एक पॉइंट और निकालते हैं, जैसे उसमें निकाला था हमने 4 के ऊपर, तो इसमें भी 4 पे निकाल लेते हैं। एक्स को जब हम 4 रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू कितना बनेगा, उधर जाकर के हुआ कितना, माइनस का 4, माइनस का 4 यानी माइनस का 2, और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 2 के इक्वल आ गया। यानी कि यहां से देखिए क्या कोऑर्डिनेट निकल के आए, तो ये निकले 0 माइनस 2, दूसरा आया 2 0, और तीसरा क्या आया, 4 2 के इक्वल। तो यहां से देखिए 4 2 यहां भी है और 4 2 यहां भी, यानी कि दोनों पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हुआ, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई। अब देखिए, यहां से पहला पॉइंट क्या दे रखा है, 0 6 के इक्वल, तो 0 6 ये पॉइंट आएगा यहां, 0 6 के इक्वल। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, क्या है, 6 0 के इक्वल, तो दूसरा पॉइंट आएगा यहां, 6 0 के इक्वल। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, 4 2 के इक्वल है, कितना है, 4 एंड 2, तो ये पॉइंट आएगा यहां, ये बन गया 4 2 के इक्वल। अब तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये इस तरह से बनेगा, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया, ये इस तरह से लाइन बन गई। अब देखिए दूसरी लाइन के लिए क्या है, 0 माइनस 2, तो 0 हो गया माइनस 2 हो गया, ये आएगा यहां, 0 माइनस 2 के इक्वल। सेकंड पॉइंट है 2 0 के इक्वल, तो ये पॉइंट आएगा यहां, 2 0। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, 4 2 के इक्वल, यानी कि यही पॉइंट आएगा, सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इनको तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो इस तरह से ये लाइन बनेगी,
ये इस तरह से लाइन बनेगी, इसको एक्सटेंड कर दिया, यहां इसको एक्सटेंड कर दिया। तो यहां से देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ये, और यहां ये हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि कह रहा है कि उस रीजन को शेड करिए जो बना हुआ है किससे, दो लाइंस की हेल्प से, और तीसरा एक्स एक्सिस की हेल्प से। तो देखिए ये एक्स एक्सिस होगी, ये फर्स्ट लाइन, सॉरी ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, इनकी हेल्प से ये रीजन बन के दिख रहा है हमें। देखिए ये शेड कर दिया हमने इसको, ये रीजन दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगुलर रीजन है, इसको हमें क्या करना है, शेड करना है, और उसके बाद इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल बन गया देखिए। अब यहां से देखिए हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब देखिए यहां से क्या चाहिए हमें, 1/2 हमने लिखा, अब चाहिए हमें बेस। बेस क्या होता है, जो नीचे की लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये होता है बेस, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है इसका बेस। तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, तो देखिए 2, 4, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 2 and 2, 4 के इक्वल, तो ये डिस्टेंस हुआ कितना 4, और ये हो गया 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और मल्टीप्लाई करेंगे अब हाइट से, तो हाइट क्या होगी, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होगी हाइट। देखिए यहां से लेकर के और यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा हाइट h, ठीक है जी। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 0 से 2, तो ये 2 हो गया, तो ये इक्वल है किसके, 2 के। अब यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बना, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट के इक्वल इसका एरिया आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x-y+2 = 0 एंड 4x-y-4 = 0। कह रहा है कि ड्रॉ कीजिए ग्राफ, इन दो लाइंस की हेल्प से हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसके बाद में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल्स का एरिया जो है, ट्रायंगल का एरिया जो है वो हमें कैलकुलेट करना है बाय द लाइन सो ड्रॉ एंड द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि इन दो लाइनों के द्वारा जो बनेगा, लाइनों और एक्स एक्सिस की हेल्प से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 उठाते हैं, क्या दे रखी है, x-y+2 = 0 के इक्वल दे रखी है। यहां से क्या करते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्या निकलेंगे, एक x हो गया एक y हो गया। यहां से देखिए जब हम x को 0 रखेंगे तो y = कितना आएगा, 2 के इक्वल। अब देखिए y को 0 रख लेते हैं, जब y को 0 रखेंगे तो x = कितना आएगा, -2 के इक्वल। अब एक पॉइंट और निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं 2 के ऊपर, जब x को 2 रखेंगे तो y = कितना आएगा, y = आया 4 के इक्वल। देखिए अब यहां से कोऑर्डिनेट क्या निकल गए पॉइंट्स के, वो आया 0, 2, दूसरा क्या आया, दूसरा आया -2 and 0, और थर्ड क्या आया, ये आ गया 2 and 4 के इक्वल। अब देखिए सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, वो है 4x-y-4 = 0। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये x लिखा ये y लिखा। अब x को जब 0 रखेंगे तो y = कितना आएगा, ये आएगा -4 के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब y को 0 रखेंगे, जब y को 0 रखेंगे तो x = आएगा कितना, 1 के इक्वल। अब एक पॉइंट और निकालते हैं, x = 2 रख लेते हैं, जब x को 2 रखा तो 4 2 = 8 बना, 8 और यहां से -4 कितना हुआ, 8 के इक्वल, उधर जाकर के माइनस का, यानी कि 4 के इक्वल आ गया। अब यहां से देखिए क्या कोऑर्डिनेट बने हैं पॉइंट्स के, 0 -4, दूसरा बना है 1 0, और तीसरा बन गया 2 4 के इक्वल, ये हो गया।
अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अब देखिए फर्स्ट लाइन के लिए जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0, 2, तो 0 और ये हो गया 2, ये पॉइंट आएगा यहाँ 0, 2 के इक्वल, सॉरी 0 एंड 2 के इक्वल। अब सेकंड पॉइंट देखिए -2 और 0 के इक्वल, -2 और 0, ये पॉइंट आएगा यहाँ -2 एंड 0 के इक्वल। अब थर्ड पॉइंट देखिए 2 एंड 4, 2 हो गया और ये हो गया 4, ये पॉइंट आएगा यहाँ 2, 4, ये यहाँ बनेगा 2, 4 के इक्वल। अब तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से लाइन बनेगी। इसको एक्सटेंड कर दिया, इधर भी इसको एक्सटेंड कर दिया, तो इस तरह से लाइन बनेगी। अब देखिए सेकंड लाइन के लिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0, -4, तो 0 ये हो गया और -4 यहाँ आएगा, ये बन गया 0, -4 के इक्वल। अब सेकंड पॉइंट देखिए 1, 0 के इक्वल, तो 1 हो गया और 0, ये पॉइंट आएगा यहाँ 1, 0, 1, 0 के इक्वल। थर्ड पॉइंट क्या है 2, 4, ये तो वही पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। तो अब देखिए किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से लाइन बनेगी, ये बनेगी इस तरह से लाइन और ये इस तरह से निकल जाएगी, एक्सटेंड कर देंगे इसको आगे की तरफ, ये इस तरह से बनेगी, ये लाइन बन गई। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो टू लाइंस हैं और एक्स एक्सिस है, उन तीनों के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसको हमें सेट करना है। तो देखिए ये बीच में आ गया, ये लाइन एक हो गई, ये हो गई, तो यहां से देखिए ये जो एरिया है वो बाउंडेड है इन थ्री लाइंस से, तो ये एरिया क्या बनेगा, ये एरिया बनेगा ट्रायंगल का। देखिए ये इसका जो है ना सेडेड रीजन बन गया है, और सेडेड रीजन क्या बना है, ये बना है ट्रायंगल। देखिए यहां से लेकर के ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसके अंदर अंदर का, ये जो है ये सारा का सारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। देखिए ये जो ट्रायंगल है, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया और कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। अब बेस देखिए, बेस क्या बनेगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा ये बनेगा बेस, और वो कितना है देखिए 0 से 1, यानी कि 1 तो ये हो गया यहां से लेकर यहां तक 1, उसके बाद देखिए 0 से 2, यानी कि 2 ये हो गया, 1 एंड 2 कितना हो गया 3 के इक्वल, तो बेस इसका किसके इक्वल हो गया 3, तो ये बेस हो गया इसका 3, ठीक है, तो बेस आ जाएगा यहां पे 3, और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कौन सी होगी, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगी इसकी हाइट, और वो कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ये है 0 से 4, यानी कि 4 के इक्वल, तो हाइट हो गई इसकी कितनी 4 के इक्वल, तो यहां से कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 4। अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब देखिए 3 2 जा 6, यानी कि इसका आंसर कितना आया 6, एरिया कितना हुआ 6, कितना लिखेंगे 6 स्क्वेयर यूनिट। तो यहां से देखिए यूनिट्स के अंदर लेते हैं, जब कोई यूनिट ना गिवन हो तो उसको यूनिट्स में ले लेते हैं, तो यहां से इसका एरिया जो बनेगा वो बनेगा 6 स्क्वेयर यूनिट्स के इक्वल, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कह रहा है कि इन दो जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है उनका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स बनेंगे उनके एरिया की रेशियो हमें निकालनी है। कौन से दो ट्रायंगल, फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लाइन, पहली जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है उससे जो लाइन बनेगी वो, उसके साथ में x=0, y=0 लेकर के एक ट्रायंगल बनेगा दूसरा, एंड सेकंड लाइन लेनी है, दूसरा ट्रायंगल जो बनाएंगे उसके अंदर सेकंड लाइन लेनी है, उसकी इक्वेशन से हमें लाइन बनानी, लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में x=0 से एक लाइन बनेगी और y=0 से एक लाइन बनेगी, इन तीनों से एक ट्रायंगल बनेगा। अब जो दो ट्रायंगल बने हैं
उन दोनों का एरिया निकाल करके उनकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है दोस्तों, ये दे रखी है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स के इक्वल। अब यहां से देखिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल एक्स वाई ले लिया हमने। अब देखिए एक्स को जीरो रख लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, टू के इक्वल। अब देखिए वाई को जीरो रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा सिक्स के इक्वल। ये दो पॉइंट हमने निकाल लिए, क्या है जीरो टू और दूसरा आ गया सिक्स जीरो के इक्वल। अब सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व के इक्वल। अब यहां से क्या करें, यहां भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक्स वाई, एक्स को जीरो रखेंगे, जब एक्स को जीरो रखा तो वाई इज इक्वल टू कितना आया, थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस का फोर। अब देखिए वाई को जीरो रखेंगे, जब वाई को जीरो रखा तो एक्स इज इक्वल टू आया सिक्स के इक्वल, ठीक है जी ये आ गए। अब यहां से पॉइंट क्या बने, जीरो माइनस फोर और दूसरा पॉइंट क्या बना, सिक्स जीरो के इक्वल। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बन गए। अब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पहली ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, यानी फर्स्ट ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, उसकी फर्स्ट साइड तो क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन से बनने वाली लाइन, तो चलिए वो बना लेते हैं पहले। जीरो टू क्या कोऑर्डिनेट है, जीरो टू, तो जीरो टू ये आएगा पॉइंट यहां जीरो टू के इक्वल। सेकंड पॉइंट कहां है, सिक्स जीरो के इक्वल, तो ये आएगा सिक्स जीरो। सेकंड पॉइंट आया यहां सिक्स जीरो। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो ये बनेगा इस तरह से, लाइन बनेगी ये इस तरह से लाइन बनेगी। अब देखिए ये तो लाइन ड्रॉ हो गई, एक साइड ड्रॉ हो गई इसकी। अब दूसरी साइड क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो थर्ड साइड। जब देखिए x इज इक्वल टू जीरो दिया है यानी कि x के ऊपर तो जीरो, x तो जीरो है यानी कि y की सारी वैल्यू कुछ भी हो सकता है y के ऊपर। अब x तो जीरो ही हो गया, उस पर वाई की हो सकती है, तो ये साइड बनेगी इस तरफ, ये वाली, ये जो लाइन है ना ये कंप्लीट बनेगी, ये इसको बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये लाइन इसके अंदर शामिल हो गई है। अब ये साइड बन गई किसकी, अब देखिए y इज इक्वल टू जीरो, जब y जीरो होगी किस पे, x के ऊपर पूरे पे, इस लाइन के ऊपर क्या बनेगी, x एक्सिस के ऊपर y जीरो होता है, तो देखिए ये बनेगी इसकी y इज इक्वल टू जीरो की साइड, ये बन जाएगी इसकी थर्ड साइड। तो देखिए फर्स्ट साइड ये हो गई, सेकंड साइड ये हो गई और थर्ड साइड ये हो गई। तो इसका ट्रायंगल क्या बना, ये यहां से लेकर के यहां तक का ये ट्रायंगल बन गया, तो ये इसका ट्रायंगुलर रीजन बना, फर्स्ट ट्रायंगल बन गया है ये। अब चलते हैं सेकंड ट्रायंगल पे, उसमें क्या है, उसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं फर्स्ट साइड के जीरो माइनस फोर, तो जीरो और माइनस फोर के इक्वल, तो ये आ गया जीरो माइनस फोर के इक्वल, ये आएगा यहां जीरो माइनस फोर। अब चलते हैं सेकंड, ये है सिक्स जीरो, ये आएगा यहां सिक्स जीरो के इक्वल, ये पॉइंट सेम है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये बनेगा, ये बनेगी इस तरह से लाइन, ये लाइन बन गई ऐसे, ठीक है जी, ये बन गई लाइन इस तरह से, ये बन गई, ये एक्सटेंड कर। अब देखिए ये लाइन बन गई, दूसरा इसमें क्या कह रहा है, एक साइड तो ये हो गई इसकी, सेकंड क्या है x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए x जीरो कब होगा, यानी कि y एक्सिस पे कंप्लीट पे क्या होता है x जीरो, तो ये लाइन बन गई इस तरफ, ये y एक्सिस हो गई, तो एक लाइन हो गई इसकी ये, तो ये साइड बन गई, ठीक है। अब थर्ड क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू जीरो, अब वाई जीरो कब होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, कंप्लीट एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जो है क्या होता है, जीरो के इक्वल, तो ये बन गई इसकी थर्ड साइड। तो इसमें देखिए फर्स्ट साइड ये बन गई, सेकंड साइड ये बन गई और थर्ड साइड ये बन गई, तो ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल इसमें बन गया, सेकंड ट्रायंगल ये बन गया इसका। इसको ऐसे बना देते हैं ताकि अलग दिखाई दे, तो सेकंड ट्रायंगल बन गया ये सेकंड ट्रायंगल बन गया। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल जो बने हैं उनकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है।
तो फर्स्ट जो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, यहां से निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल तो क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल। तो 1/2 बेस कितना है इसका, इसका बेस हो गया ये, बेस कितना है देखिए 0 से 2 यानी कि 2 के इक्वल। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसकी 0 से 6, तो देखिए 6 इसकी हाइट हो गई। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 6, 6 स्क्वायर यूनिट के इक्वल इसका एरिया आ गया, यूनिट्स 6 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल आ गया फर्स्ट का एरिया। अब सेकंड का निकाल लेते हैं, सेकंड ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 बेस, बेस कितना देखिए सेकंड ट्रायंगल ये है, तो इसका बेस ये बनेगा 0 से -4 यानी 4 के इक्वल हो गया, तो बेस इसका हो गया 4 के इक्वल। अब हाइट देखिए, हाइट कितनी है, सेम इसकी हाइट है 6 के इक्वल, तो मल्टीप्लाई बाई 6, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2, तो कितना बन गया एरिया इसका, एरिया इसका बन गया 6 × 2 = 12 स्क्वेयर यूनिट्स के इक्वल, 12 स्क्वेयर यूनिट्स के इक्वल हो गया सेकंड का एरिया। अब क्या करना है, रेशियो निकालनी है, रेशियो इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल A1 मान लेते हैं, रेशियो A2 एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो A1 का एरिया कितना है, वो है 6 के इक्वल, और सेकंड ट्रायंगल का एरिया कितना है 12 के इक्वल, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी, 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12, तो इसकी रेशियो बनेगी 1:2 के इक्वल, ये इसकी रेशियो आ गई और ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 16, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।